MiTV 4A इंडिया में लॉन्च हो चुका है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे फीचर्स जो MiTV 4A खरीदने से पहले आपका जानना जरूरी हो सकता है। तो सबसे पहले जो MiTV 4A आता है ये दो मॉडल में आता है, यानी कि 32 इंच में और एक 40 इंच में। जो 32 इंच वाला मॉडल है उसके अंदर आपको HD रेजोल्यूशन देखने को मिलता है जो होता है 136x768 pixels का। वहीं जो 40 इंच वाला आता है वो 1080p के रेजोल्यूशन के साथ आता है, यानी फुल HD। 32 इंच वाले टीवी का प्राइस है 14,000 rupees। वहीं 40 इंच का जो टीवी आता है वो आता है 23,000 rupees का। दोनों ही टीवी फ्लिपकार्ट पे मिलेंगे और 13 मार्च को 12 बजे इसकी सेल होगी। और हाँ, इसकी सेल एवरी ट्यूसडे होगी जैसे 55 इंच के MiTV की होती है। 32 इंच वाले में आपको 3 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट देखने को मिलते हैं और 40 इंच वाले में भी आपको 3 HDMI पोर्ट है, लेकिन जो USB पोर्ट है वो 3 है। और USB पोर्ट जो दिए गए हैं दोनों ही टीवी में, उसके साथ ही आप इसके अंदर मूवीज वगैरह को भी प्ले कर सकते हैं एक पेन ड्राइव का यूज करके। दोनों ही टीवी के अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलते हैं जो कि 10W+10W यानी टोटल 20W के हैं। और अगर मैं ओवरऑल कंपैरिजन की बात करूं, ऑन पेपर ये टीवीज लाउडर है उन टीवी से जो कंपटीशन देता है, जैसे कि सोनी और सैमसंग LG इनकी तरफ से मिलते हैं। दोनों ही टीवी में आपको AM लॉजिक क्वाड कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है और ये 8GB की स्टोरेज के साथ आता है, 1GB की रैम है। 8GB की स्टोरेज इसलिए जिसमें अपना थोड़ा बहुत डेटा यानी फोटोग्राफ्स, वीडियोस या फिर जितनी भी एप्स को आप यूज करेंगे तो उन्हें आप इजीली इंस्टॉल कर सकें। और 1GB रैम मुझे लगता है कि इस टीवी के लिए काफी सही है क्योंकि थोड़ी बहुत ही आप मल्टीटास्किंग कर पाएंगे। अगर मैं OS की बात करूं तो ये पैच वॉल UI पे चलता है, जैसे Xiaomi के फोन MIUI पे चलते हैं तो ये पैच वॉल UI पे चलता है और ये एंड्रॉइड 6.0 के मार्शमेलो पे बेस्ड है। ओवरऑल मैं आपको बताना चाहूं तो ये एग्जैक्ट सेम वैसा ही UI, ये वैसा ही OS है जो 55 इंच का जो कुछ समय पहले जो टीवी लॉन्च किया था Xiaomi ने, जैसा आपको उसमें देखने को मिलता था सेम इसमें इसी तरीके का मिलता है। अच्छी बात इसकी है कि इसके अंदर आपको कई सारी एप्स प्रीलोडेड मिलती है जैसे वूट, हॉटस्टार, TVF प्ले, VIU एटसेट्रा एटसेट्रा। और इस UI की सबसे खास बात Xiaomi की तरफ से यही है कि जैसे जैसे आप कोई भी कंटेंट देखना चाहोगे, जैसे आपने कोई फिल्म देखी उसके बेसिस पे आपको सजेशन देता रहेगा कि आगे आपको क्या देखना चाहिए, आपको रिकमेंडेशन मिलती रहेगी आपके टीवी के ऊपर। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये जितनी भी एप्स देता है ये सारी की सारी एप्स सही है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी एप्स है जो पेड है जिनके अंदर आपको केवल उनका ट्रायल वर्जन ही देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल हंगामा की ऐप जो है वो उनके अंदर आपको ट्रायल वर्जन ही देखने को मिलता है। और एक और बात बताना चाहूंगा, इसके अंदर कोई भी नेटफ्लिक्स की ऐप नहीं है और अमेजन प्राइम वीडियो की भी ऐप नहीं है। नेटफ्लिक्स की ऐप की बात करूँ तो इनिशियली जो 55 इंच का टीवी आया था उस टीवी में जितने भी लोगों ने नेटफ्लिक्स की ऐप डालने की कोशिश करी तो वो नाकाम रहे, नेटफ्लिक्स की जो ऐप है वो कंपेटेबल नहीं है। और अगर आप चाहें तो उसके अंदर पेनड्राइव से ट्राई कर सकते हैं। और एक और बात बताना चाहूंगा कि इस टीवी के अंदर आपको यूट्यूब की भी ऐप देखने को नहीं मिलती, और आपको यूट्यूब के मजे लेनी है तो आपको पेनड्राइव में उसकी APK को इंस्टॉल करना है यूट्यूब की टीवी वाली ऐप का, और उसके बाद उस टीवी में जाके इंस्टॉल करना है। और एक और बात यह भी है कि इसके अंदर आपको कोई भी प्ले स्टोर देखने को नहीं मिलता है और इसलिए आपको जितनी भी जो एप्स है वो सारी आपको पेनड्राइव से ही इंस्टॉल करनी पड़ेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो टीवी है ये अपग्रेडेबल है, यानी कि इसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर की अपडेट्स देखने को मिलती हैं। तो हो सकता है कि इस टीवी के अंदर फ्यूचर में जो अपडेट्स है उनसे जो पैच वॉल UI की जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है, जैसे नेटफ्लिक्स नहीं चलता, यूट्यूब नहीं है और प्ले स्टोर नहीं, तो ये फिक्स हो जाए। इस टीवी के अंदर आप स्क्रीन मिररिंग भी कर सकते हैं। और जहां बात है कास्टिंग जैसे फीचर्स की, तो जैसे गूगल का जो क्रोमकास्ट वर्क करता है जितनी ईजी तरीके से, उतने ईजी तरीके से शायद आपका ये टीवी इतने अच्छे तरीके से काम ना कर पाए। जैसे कि अगर आपको यूट्यूब पे कुछ कास्ट करना तो शायद पहले यूट्यूब की आपको खोलना पड़े। स्क्रीन मिरर भी हो जाता है इसमें, लेकिन उतने स्मूथली तरीके से शायद ना हो पाए जितना किसी डेडिकेटेड एंड्रॉइड टीवी बॉक्स या फिर गूगल के क्रोमकास्ट से हो जाता है। इस टीवी की एक और स्पेशलिटी है कि इसके अंदर आप कुछ भी सर्च कर सकते हो और वो यूनिवर्सली सर्च होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपने कोई फिल्म का नाम टाइप किया तो वो जो फिल्म किसी ऐप में अगर अवेलेबल है तो ये बता देगा कि इस ऐप में अवेलेबल है, और अगर वो किसी पर्टिकुलर टीवी चैनल पर आ रही होगी ना तो इंटरनेट के थ्रू इसकी जानकारी आपकी टीवी तक आ जाएगी और ये बता देगा कि ये पर्टिकुलर फिल्म इस चैनल पर आ रही है। तो ये भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग फीचर है। जैसे कि अगर आपको क्रिकेट मैच देखना है और आपको पता करना है कि वो कौन से चैनल पर आ रहा है तो उसके थ्रू भी आप पता कर सकते हो, और ये भी पता लगा सकते हैं कि वो कौन सी ऐप पे लाइव स्ट्रीम हो रहा है उसका। और एक और अच्छी बात इस टीवी के साथ ये है कि इसके अंदर आपको वाईफाई देखने को मिलता है और इसके साथ आपको स्मार्ट रिमोट कंट्रोल देखने को मिलता है। अच्छी बात इस रिमोट कंट्रोल की है कि इससे आप पूरा टीवी कंट्रोल कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से, काफी सिंपल है। एक MIIR केबल सेट टॉप बॉक्स कंट्रोलर एक चीज आती है इसके साथ एसेसरी, वो अगर आपको अलग से परचेस करनी पड़ेगी, और उसे अगर अपने टीवी से कनेक्ट कर दें और जो सेट टॉप बॉक्स आप यूज करते हैं उससे कनेक्ट कर दें तो अच्छी बात यह रहेगी
कि आप अपने MI टीवी के रिमोट से ही अपने सेट टॉप बॉक्स को कंट्रोल कर पाएंगे। इस टीवी में आपको वाईफाई के साथ साथ ईथरनेट पोर्ट भी देखने को मिलता है। ये टीवी अपनी प्राइस में काफी अच्छा लगता है, इनिशियली मैं बता रहा हूँ आपको। और ये जितने भी कॉम्पिटिशन की टीवी आते हैं ना, अगर मैं उससे कंपेयर करूँ तो प्राइस और स्पेसिफिकेशन वाइज काफी अच्छा लगता है। लेकिन मैं आपको अभी बता देना चाहता हूँ कि आप इनके रियल रिव्यूज का वेट करें, उन लोगों का जो इसके रियल रिव्यूज बनाएंगे इस टीवी को एक्चुअली में यूज करके, तो उसके बाद ही आपको पता चल पाएगा कि इस टीवी की जो डिस्प्ले की क्वालिटी वो कैसी है और इसकी जो ऑडियो की क्वालिटी है वो कैसी है, और इस टीवी में अगर कोई प्रॉब्लम है तब भी आपको उनके रिव्यू से पता चल जाएगी। भले ही ये टीवी स्मार्ट है, लेकिन जो 55 इंच का टीवी जब रिलीज किया था Xiaomi ने लगभग 3 हफ्ते पहले, तो उसके अंदर भी आपको पैच वॉल का UI देखने को मिलता था। और जब उस टीवी के रियल रिव्यूज आए थे तो उसके बाद हमें ये पता चला था कि जो पैच वॉल UI है वो उतना ज्यादा स्मार्ट नहीं है, यानी कि उसमें आपको उतने ज्यादा फीचर देखने को नहीं मिलते। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसके अंदर आपको प्ले स्टोर देखने को नहीं मिलता, यानी कि जो पैच वॉल UI है अभी Xiaomi का वो उतना ज्यादा स्मार्ट नहीं है। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि जो फ्यूचर अपडेट आती है तो उसे पता चलेगा कि ये कितना स्मार्ट होगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ फीचर्स जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता था MI TV 4A के बारे में। तो अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक मारो, या फिर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में पूछ लो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर कहीं मत जाना। गुड बाय।